वेस्ट बैंक में जबरदस्त जंग जारी है। इजराइल वेस्ट बैंक में जिस तरह के हमले कर रहा है उसका असर लेबनान से लेकर गाजा तक देखा जा रहा है। दावे तो यहां तक किए जा रहे हैं कि इजरायली सेना और खुफिया एजेंसियों को भनक लग चुकी है कि वेस्ट बैंक में हमास और हिजबुल्ला मिलकर इजरायली सेना पर हमले कर रहे हैं और यही वजह है कि वेस्ट बैंक में शुरू हो चुका है बड़ा ऑपरेशन। दूसरा गाजा बनने लगा वेस्ट बैंक। इस वक्त इजराइल वेस्ट बैंक में जिस तरह के हमले कर रहा है उसका असर लेबनान से लेकर गाजा तक देखा जा सकता है। दावे तो यहां तक किए जा रहे हैं कि इजरायली सेना और खुफिया एजेंसियों को भनक लग चुकी है कि वेस्ट बैंक में हमास और हिजबुल्ला मिलकर इजरायली सेना पर हमला कर रहे हैं। हमास के लड़ाके हिजबुल्ला के कमांडर वेस्ट बैंक के कम से कम 4 शहरों पर इजरायली सेना हमले कर रही है क्योंकि हमास ने वेस्ट बैंक के लड़ाकों से इजरायल के खिलाफ युद्ध में शामिल होने को कहा है। साथ ही उसने तमाम फिलिस्तीनी गुटों से इजरायल के खिलाफ मिलकर जंग लड़ने की अपील की है। इजरायली सेना ने फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक में बड़ी सैन्य कार्रवाई शुरू की है। इजरायली मीडिया के मुताबिक ये कार्रवाई कई दिनों तक चल सकती है। हजारों की संख्या में इजरायली सेना ड्रोन, लड़ाकू विमान और बुलडोजर लेकर वेस्ट बैंक में घुस चुकी है। वेस्ट बैंक और गाजा में इजराइल के हमले में पिछले 24 घंटे में कुल 18 फिलिस्तीनियों की मौत हुई है। उत्तरी वेस्ट बैंक में बड़े पैमाने पर इजरायली सैन्य अभियान के दौरान 9 फिलिस्तीनी मारे गए हैं। साथ ही सेंट्रल गाजा में विस्थापित लोगों के एक स्कूल के पास इजरायली हवाई हमले में कम से कम 8 फिलिस्तीनी मारे गए हैं। फिलिस्तीनी संगठनों के मुताबिक इजराइल ने वेस्ट बैंक के जेनिन, टुबास और तुलक्रम शहरों के साथ साथ कई कैंप को निशाना बनाया गया जिससे स्थानीय बुनियादी ढांचे को भारी नुकसान पहुंचा है। असल में इजरायली सेना ऐसा इसलिए कर रही है क्योंकि हमास और हिजबुल्ला ने अपनी रणनीति पूरी तरह से बदल ली है। असल में 25 अगस्त को जिस तरह से हिजबुल्ला ने दक्षिणी लेबनान से उत्तरी इजराइल पर हमले किए थे उससे इजरायली सेना बुरी तरह से बौखला गई थी। खुफिया सूत्रों का दावा है कि इजराइल नहीं चाहता है कि हमास, हिजबुल्ला, हूती और ईरान के बाद वेस्ट बैंक की तरफ से इजराइल पर घातक हमले हों क्योंकि खबरें ये हैं कि हमास के लड़ाकों के साथ वेस्ट बैंक में हिजबुल्ला के कमांडर मौजूद हैं जो इजरायली सेना से मुकाबला करने में जुटे हैं। नेतन्याहू ने हमास और हिजबुल्ला के इसी चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए 25 अगस्त को दक्षिणी लेबनान पर 100 फाइटर जेट से एयर स्ट्राइक की थी। आप जरा इस वीडियो को देखिए जो 25 अगस्त का है। इस वीडियो में पीएम नेतन्याहू, रक्षा मंत्री योव गैलेंट और इजरायली सेना के टॉप कमांडर मौजूद हैं। दावा किया गया था कि हिजबुल्ला पर एयर स्ट्राइक के दौरान ये वीडियो बनाया गया था। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि नेतन्याहू के पीछे कई टीवी स्क्रीन लगी हैं, जिसमें इजरायली वायुसेना के फाइटर जेट दक्षिणी लेबनान में मौजूद हिजबुल्ला के ठिकानों पर हमला करने जा रहे हैं। इस टॉप मीटिंग में मौजूद सभी के चेहरे बेहद गंभीर दिख रहे हैं। 25 सेकंड के इस वीडियो को इजरायली रक्षा मंत्रालय ने जारी किया था। בוקר אנחנו זיהינו היערכות של חיזבאללה לתקוף את ישראל. בעצה אחת עם שר הביטחון והרמטכ"ל, הנחינו את צה"ל לפעול באופן יזום להסיר את האיום. צה"ל פועל מאז בעוצמה לסכל את האיומים. הוא חיסל אלפי רקטות שכוונו לצפון הארץ, הוא מסכל גם איומים רבים אחרים, פועל בעוצמה גדולה, הן בהגנה והן בהתקפה. אני מבקש מכם, אזרחי ישראל, להישמע להנחיות פיקוד העורף. אנחנו נחושים לעשות הכל כדי להגן על המדינה שלנו, להחזיר את תושבי הצפון בבטחה לבתיהם. דוסרה גזה בנה לגה וסט בנק. इसीलिए वेस्ट बैंक में गाजा जैसे हमले शुरू हो गए हैं। इधर इजराइल के विदेश मंत्री इजराइल काट्स ने वेस्ट बैंक में हमलों को गाजा युद्ध जैसा बताया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा है, हमें इस खतरे से ठीक उसी तरह निपटना होगा जैसे हम गाजा में आतंकियों से निपटते हैं। इसमें फिलिस्तीनी नागरिकों को अस्थायी रूप से वहां से निकालना और कोई भी अन्य कदम उठाना शामिल है। ये हर मायने में युद्ध है। الساعة 3:30 تقريبا الصبح قعدت بقعد في المرمى كلها كومة بطخ الجيش على الدار قاعدين ما لحقت اقعدها لهم ضاربين صاروخ على الدار صاروخ نيرجا
هربت انا والمراه الغرفه الثانيه، ردوا ضربوا اخرى صاروخ، ابني وهو مرته فوق في الطابق الثاني ضربوا عليهم صاروخ، هذا هي حتى نطلع عليها كيف هاي لك من فوق لك، هذا طابق ثاني واقع كلياته، ولعت الدار وضربوا الصاروخ حوالي ثلاث اربع صواريخ اللي ضربوهن على الدار ونصيح عليهم ولعت الدار مش عارفين وين نروح. इजराइल का वॉर प्लान पूरी तरह से बदला हुआ दिख रहा है। इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है हिजबुल्ला के वो कत्यूशा रॉकेट और मिसाइलें जो लेबनान की सुरंगों में भरी पड़ी हैं। जरा हिजबुल्ला के इस वीडियो को देखिए जहां एक विशाल सुरंग में हिजबुल्ला के खतरनाक लड़ाके घातक हथियारों से लैस दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में हिजबुल्ला के लड़ाके सुपर सोल्जर्स की तरह नजर आ रहे हैं। हिजबुल्ला की सुरंगों की खास बात यह है कि ये लगभग दो मंजिल ऊंची है। सुरंग में घातक मिसाइलें रॉकेट भरे पड़े हैं। बड़े बड़े ट्रकों पर सैकड़ों मिसाइलें लदी हुई है। चौंकाने वाले हिजबुल्ला के वीडियो में नई इमाद चार सुरंग दिखाई गई है। अभी तक दुनिया हमास की सुरंगों के बारे में ही जानती थी लेकिन पहली बार हिजबुल्ला ने घातक हथियारों से लैस सुरंग दिखाकर इजराइल और उसके सहयोगियों के होश उड़ा दिए हैं। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि हिजबुल्ला के पास 1 लाख लड़ाके हैं जबकि 1,20,000 के करीब मिसाइलें और रॉकेट इन्हीं गहरी सुरंगों में मौजूद हैं। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई के कहने पर ही हिजबुल्ला ने इजरायली सेना पर हमले तेज किए हैं। हिजबुल्ला चीफ हसन नसरुल्ला और सुप्रीम लीडर खामनेई के कहने पर हिजबुल्ला ने पहली बार सुरंग मिसाइलें इसराइल पर हमला करने के लिए खोल दी हैं। अब शक यह है कि हिजबुल्ला वेस्ट बैंक में सुरंगों के जरिए इसराइल के खिलाफ मोर्चा खोलने की तैयारी कर रहा है। يعني بيروح بيخدم وقته بيرجع على بيته بيطلع بديله بيخدم وقته بيرجع على بيته وهكذا ومع ذلك عاملين الانجازات المعموله بالشمال اللي سالوا الاسرائيليين عنها 7 अक्टूबर से शुरू हुई जंग के बाद से इजराइल लगातार वेस्ट बैंक में रेड करता रहा है। अब तक इस इलाके में 660 फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं। इनमें से कई फिलिस्तीनियों की मौत वेस्ट बैंक की अवैध बस्तियों में रहने वाले यहूदियों के हमले में भी हुई है। ऐसी भी खबरें मिल रही है कि इजरायली सेना वेस्ट बैंक के रामल्ला कलकिलिया और तुलकराम इलाके में बुलडोजर और टैंक लेकर घुसी है। वहीं एक बड़ी खबर ये भी है कि इस बीच फिलिस्तीनी प्रशासन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास अपना सऊदी अरब का दौरा बीच में ही छोड़कर लौट चुके हैं। एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक इजरायली सेना के वाहनों ने अल फरा कैंप के सभी एंट्री गेट को ब्लॉक कर दिया है। सेना की जीप और बुलडोजर कैंप में घुस गए और सैनिकों को पैदल ही इसकी गलियों में गश्त करते देखा गया। भीषण हमलों की वजह से वेस्ट बैंक के 4 शहर खंडर बनने लगे हैं। सड़कें टूट चुकी हैं, पानी की सप्लाई लाइन बर्बाद हो गई है। वेस्ट बैंक में हर कुछ मिनट में गोलियां चल रही हैं। अब सवाल ये भी उठने लगा है कि वेस्ट बैंक को अगर इजराइल दूसरा गजा बना देगा तो इससे पूरे मिडिल ईस्ट में भयंकर युद्ध शुरू हो जाएगा।